हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पावर शेल की और भी कुछ कमांड्स को जानेंगे जो कि आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी पावर शेल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप जो है पावर शेल को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सभी उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो है आपको क्या करना है, पावर शेल को ओपन करना है। मैं अपने केस में विंडोज़ टर्मिनल का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप भी अपने केस में विंडोज़ टर्मिनल का ही यूज़ करें। नहीं तो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो भी उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, यानी कि हमें पूरा डिटेल चाहिए कि कौन कौन सी स्टॉप हैं या कौन कौन सी रनिंग में हैं। दोनों हमें जो है यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए कमांड है गेट और यहाँ पर आपको लिखना होगा सर्विस। जैसे आप लिखेंगे गेट सर्विस, तो आपके सिस्टम की सारी सर्विसेज कौन कौन सी बैकग्राउंड में चल रही हैं या स्टॉप है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि इस कमांड से जैसे आप करेंगे तो इसका स्टेटस नेम, ठीक है, डिस्प्ले नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। जैसे स्टेटस ये सर्विस स्टॉप है, नेम क्या है इसका, डिस्प्ले नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके से आप प्रिंट करवाना चाहें और देखना चाहते हैं कि कौन सी सर्विसेज आपके सिस्टम में रनिंग है और स्टॉप में है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी सर्विसेज यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तब ऐसे केस में अगर आपको शॉर्ट करना है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस जो है रनिंग में है या स्टॉप में है, तो आप कैसे पता कराएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिल्टर लगा लेना है और लिखना है वेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ फाइंड करना है आपको ये यहाँ पे जो है बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर का सिंबल और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं अंडरस्कोर का साइन लगा दूँ, अब लिखेंगे डॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डॉट हमें क्या चीज़ बताना है, हमें क्या करना है यहाँ पर, ये चीज़ जानना है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी सर्विस रनिंग स्टेटस में है। फिलहाल तो हम ये देखना चाहते हैं कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैंने ऊपर कमांड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। ठीक है, स्टेटस में रनिंग भी शो कर रहा है, स्टॉप भी शो कर रहा है, तो हम जो है यहाँ पे स्टेटस में जाके फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टेटस। नेम में अगर प्रिंट करना होता तो हम लिखते डॉट नेम, अगर डिस्प्ले नेम प्रिंट करवाना होता तो हम लिखते डॉट डिस्प्ले नेम। अब आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे, तो चलिए कमांड के पास चलते हैं जिससे कि आप अच्छे से और समझ जाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, हमने लिख दिया, अब लिखेंगे स्टेटस। ठीक है, अब आई थिंक आप जान गए होंगे स्टेटस मैंने क्यों डाला, क्योंकि स्टेटस के अंदर इसको फाइंड करना है कि रनिंग कौन कौन सी है और स्टॉप कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टेटस। अब आपको स्टेटस में यहाँ पर लिखना है ई क्यू और आपको यहाँ पर वो स्ट्रिंग पास करनी है जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम रनिंग स्टेटस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रनिंग RUNNING और आपको कर देना है एंटर। तो ये देखिए, इसने जितनी भी अभी मेरे को यहाँ पे आउटपुट दिया है सब रनिंग का आउटपुट दिया है, आप यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ रनिंग लिखा था। इसने क्या किया कमांड को, इसने ऑब्जेक्ट फाइंड किया डॉट स्टेटस के अंदर, यानी इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग रनिंग स्ट्रिंग, तो रनिंग को इसने फाइंड किया और यहाँ पे मेरे को शो कर दिया कि ये सर्विसेज जो है रन कर रही है। अगर आपको स्टॉप वाला देखना है तो यहाँ पे आप रनिंग की जगह यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉप STOPPED। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसने मेरे को यहाँ पे स्टॉप जो यानी जो जो सी सर्विसेज मेरे सिस्टम में बंद पड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर प्रिंट करा दी है। आई थिंक आप सभी अब जान गए होंगे कि कैसे आप किसी भी सर्विस को प्रिंट करवा सकते हैं, शॉर्ट करवा सकते हैं। आप ऐसी फिल्टर लगा के आप किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी चीज़ को जो है आप ऐसे करके जो है फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मेथड है। अब ये देखना है फ्रेंड्स कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है गेट प्रोसेस। इस कमांड को हमने पिछली वीडियो में जाना था, इस वीडियो में कुछ हम और एडवांस जानेंगे। ठीक है, तो इसने जो है यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दिया कौन कौन से सर्विसेज। ठीक है, जैसे उसका प्रोसेस नेम, उसकी आईडी, सीपीयू यूटिलाइजेशंस, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पे हमें प्रिंट कर दी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ।
अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा नोटपैड, रन में आके नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट टर्मिनल से। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने टर्मिनेट वर्ड का यूज़ किया है, यानी बस टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत काम की ये कमांड है, स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है आप सभी को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टॉप, हमें स्टॉप क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो हम लिखेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है। स्पेस, तो आपको कंप्यूटर पूछ रहा है कि अपना प्रोसेस नेम बताइए जिसको आप स्टॉप करना चाहते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस नेम। अब उस प्रोसेस का नेम क्या है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम लिखना है, हमारे केस में नोटपैड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। ठीक है, नोटपैड जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, तो देखिए इसने नोटपैड को बंद कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसी के साथ और बताता हूँ कि मैंने ऐसे टर्मिनेट वाली बात क्यों कही। मैंने नोटपैड को दोबारा ओपन किया, अगर मैं इसको डायरेक्टली क्लोज करूँ तो सबको पता है डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ डेटा फीड कर दूँ, ठीक है, मैंने अभी इस फाइल को सेव तो किया नहीं, अगर मैं इसको अब क्लोज करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा सेव करना है, नहीं करना है, डायरेक्ट कैंसिल करना है। ठीक है, ये मेरे से पूछेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाए, यानी ये सब जो है पॉपअप वगैरह ना पूछे, तो इसलिए मैंने एक कमांड बताई है। देखिए पहले हमारे केस में क्या था कि हमारा नोटपैड एप्लीकेशन एकदम खाली था, लेकिन अब इसमें डेटा है, तो इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए इसने डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया, आपसे पूछा नहीं। तो इस तरीके से जो है आप एप्लीकेशन को बंद करवा सकते हैं, डायरेक्टली टर्मिनेट करा सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड, दोबारा से नोटपैड मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कोई सर्विस ऐसी बंद करनी है जिसका NOTE उसके नाम से पहले आता हो, यानी उसकी स्टार्टिंग NOTE से होना चाहिए, और ऐसी जितनी भी सर्विसेज है ना सब बंद हो जाए हमारे सिस्टम में, यानी सारी की सारी जितनी भी ऐसी प्रोसेस है वो सब के सब स्टॉप हो जाएं, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नोट और आगे लगा दूँगा स्टार। स्टार का मतलब आप जानते हैं ऑल हो गया, तो वो स्ट्रिंग फाइंड करेगा कि कौन कौन सी सर्विस से पहले, यानी नेम में सबसे पहले NOTE है, और एंटर कर दोगे तो सभी सर्विसेज को बंद कर देगा। इसने यहाँ पे देखा नोटपैड को बंद कर दिया, लेकिन NOTE से जितनी भी स्ट्रिंग उसको मिलेगी प्रोसेस के अंदर, जो भी एप्लीकेशन उसको रनिंग दिखेगी, सबको ये स्टॉप कर देगा सारी प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, बहुत ये भी काम की कमांड है, ये बहुत काम आने वाली है आप सभी के, खासतौर पर जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तब आप सभी जानेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कुछ बताया था, इस वीडियो में कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में जो भी स्क्रिप्टिंग में आपको बता रहा हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सारे लॉजिक और ये सारी जो प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब ये हमने यहाँ पे क्या किया, अभी फ़िलहाल प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अगर मान लीजिए कि मेरे को प्रोसेस स्टार्ट करना है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो कमांड से हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी नोटपैड ओपन किया था, तो पहले मैंने रन में गया और यहाँ पे मैंने कमांड टाइप करी नोटपैड, फिर मैंने इसको ओपन किया तो नोटपैड मेरे सामने ओपन हुआ। लेकिन इतना लंबा भाई मेरे को नहीं लिखना, मैं एक ही बार इसको फीड कर देना चाहता हूँ और मैं बार बार इसको ओपन नहीं करना चाहता। तो आप कैसे करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पास कर देनी है, आपको यहाँ पे लिख देना है नोट पैड और कर देना है आपको एंटर, तो नोट पैड जो है देखिए ओपन हो जाएगा। अब आई थिंक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो देखा आपने नोट पैड ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, हमने जो प्रोसेस को स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो नोट पैड लिखा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, सिस्टम को इसलिए पता है कि मैंने नोटपैड ओपन किया, क्योंकि ये सिस्टम की बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है विंडोज़ के केस में, और इस सिस्टम 32 के अंदर इसकी यही कमांड है। अगर मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या रन के थ्रू रन करूँगा तो मेरे को नोटपैड ही लिखना पड़ेगा, तब जाके रन करेगी, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं कि जो किसी और ड्राइव में इंस्टॉल है, तो वहाँ पर आपको उस केस में यहाँ पर आपको उसका पाथ जो है देना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया क्लियर, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। अब अगर फ्रेंड्स हमें किसी प्रोसेस को मेज़र करना है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मेज़र में कहने का मतलब है, जैसे हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हमें सिस्टम इन्फो देखने के लिए सिस्टम इन्फो कमांड है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में इस कमांड को आपने रन भी किया होगा हज़ारों बार, ठीक है, बहुत पुरानी कमांड है, ठीक है, सीएमडी की कमांड है, यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं वर्चुअल मेमोरी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं मिनिमम मैक्सिमम उसका सम उसका एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो कैसे मैं यहाँ पे पावर शेल में प्रिंट करवाऊँगा? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ गया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लिखना है गेट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हम फिल्टर लगाना चाहते हैं, फिल्टर। अब हमें क्या करना है, मेज़र करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेज़र। आपको क्या मेज़र करना है आपको ये भी बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल, VIR वर्चुअल मेमोरी साइज, ठीक है, मैं इसको मेज़र करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम। जैसे मैंने सम लिखा और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे मेरे को इसका सम मिल गया। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इसको भी प्रिंट करवाना है, तो दोबारा से आप जाइए, यहाँ पे आपको लिखना होगा एवरेज, ठीक है, अब आपको लिखना होगा यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम हमने लिख दिया, अब हमें चाहिए मिनिमम। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसने देखिए सारे के सारे पैरामीटर्स जो है इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। तब आई थिंक जो है आप सभी जान गए होंगे कि कैसे हमें यहाँ पे काम करना है, और कैसे आपको किसी भी कमांड का, अगर कोई किसी चीज़ को आप मेज़र करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको इन कमांड्स पे ये सब चीज़ करके दिखा रहा हूँ तो ये सब चीज़ इसी कमांड्स पे वर्क करती हैं, फिल्टर्स वगैरह, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कमांड पे अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार, जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज़ करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत काम आने वाली ये सब कमांडें। तो आज की वीडियो में सिर्फ फ्रेंड्स इतना ही, आगे के जो कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप सभी को इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आने वाली वीडियोस में उन सभी का सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। पावर शेल से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रिक जानना चाहते हैं या आपको कोई स्पेशल ट्रिक पता है तो फ्रेंड्स वो भी प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।